इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है उन्होंने योग को काफ़ी अहमियत दी है। तब तक योग इस लेवल पे नहीं आया था जो अब आया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आ गया है और बाहर की दुनिया में तो योग इतना अच्छी तरह लोग फॉलो करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है हमारे देश के लोग इतना नहीं करते, हमारे देश के लोग तो बाहर से कोई चीज़ आती है फिर अपनाते हैं, तो अब अपनाने लगे हैं हमारे देश के लोग। मगर सारे दूसरे कंट्रीज़ में मैंने देखा है, हमारे पास रशियन लड़की आई, एक साल तक मेरे पास रही और कोर्स करके अच्छी तरह सीख के गई, वो चाइना है, जापान है, रशिया है, ये सारे जर्मनी, इतने सारे जर्मन लोग, ब्राज़ील के लोग आए हैं, स्पेन के लोग आए हैं, आपको नाम गिना दो आप, कोस्टारिका और मेरे को कभी वो भी ना, फ्रांस, मैं खुद गई हूँ बहुत से देशों में, हमारे इंस्टीट्यूट के ब्रांच शुरू हुए हैं, ये योगा इंस्टीट्यूट्स ब्रांचेस, और हम मैं ये सारी जगह गई हूँ। और अभी मैं परसों ही आई दुबई से, दुबई है और आगे वो सारे जो देश हैं वहाँ भी योग, मगर बिल्कुल अच्छी तरह, हाँ ये मुस्लिम कंट्री भी बहुत ही भावना भक्ति के साथ योग सीखने लगे हैं आजकल। फिर वो हमें कहते हैं कि हमें ओम कहना है, नहीं तो हम नहीं सिखाते कि मुस्लिम है वो करेंगे सूर्य नमस्कार, हम कहते हैं भैया नहीं आप आसन करो, मगर वो कहते हैं नहीं हमें वो मंत्र भी सिखाओ, हमें ओम भी सिखाओ, यानी इतने ओपन हो गए अब कि वो करें या ना करें, मगर बहुत ही अच्छा योग का वो है। सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि गलत योग बहुत पॉपुलर हो रहा है, बस सब लग गए फिजिकल फिटनेस में, वो बिकिनी पहना और एक्ट्रेस लोग आ गए हैं और वो बड़ा अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करा रहे हैं, योग ऐसा नहीं। मैं तो ये साड़ी में सब कुछ करती हूँ, हाँ दिन भर साड़ी पहनती हूँ और सब कुछ होता है उसमें, करने का क्या है, जो ज़रूरी है वो है मन की स्थिति को सही रखना, शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही और शरीर के लिए एक्टिव रहो, बस काम में लगे रहो तो सब कुछ हो जाएगा। एक बार को जोक याद आता है कि जू बीच पर मैं चल रही थी, पहले तो गर्मी इतनी नहीं थी तो मैं वहाँ चली जाती थी, और चल रही थी तो एक हीरोइन उस समय की फेमस, वो चल रही थी और उसकी जो बेबी है आया, वो उसकी बच्ची को गोद में लेके उसके साथ चल रही थी और बेबी बार बार कह रही थी मम्मी मम्मी, और ये हीरोइन हाथ में वज़न उठाकर कितने 5-5 किलो का दोनों हाथ में वज़न उठाकर चल रही थी एक्सरसाइज के लिए। अब मेरा इतना ही कहना है कि अगर एक्सरसाइज के लिए चल रहे तो बच्ची को गोद में उठा के भी चल लो ना, वो भी तो वज़न ही है, एक कॉमन सेंस की बात है, मगर लोग अटक गए हैं, बस इतने किलो इतना ही होना चाहिए, इतना ही कैलोरी खाना खाना चाहिए, ये सब जो हम अटक गए हैं ना, वो थोड़ा सा रीसेट करो लाइफ को तो बहुत आनंद आ जाएगा। मैम फर्स्ट योगा वुमन होने के नाते आप वुमन्स को क्या सलाह देना चाहेंगी जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजरते हैं? देखिए वुमन के बॉडी में तो अमुक योग की टेक्निक्स बहुत बहुत ज़रूरी है, एक शरीर के लिए तो ज़रूरी है, जब पीरियड शुरू होता है और पीरियड के बाद जो वो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन लड़कियों में बहुत आता है, पीरियड्स के वक्त उन्हें दर्द और क्रैम्प्स होते हैं, ये सब चीज़ें तो यूँ ठीक होती है योग के, थोड़े से आसन कर लो, अब आसन यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाने में वो इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसी तरह लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है उस समय उसके मन की स्थिति और उसको कैसा रहना चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, ये भी बहुत मायने रखती है। और मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को शादी के पहले तो योग सीखना ही चाहिए, पीरियड के समय भी सीख ही लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में योग बहुत फ़ायदा करता है, हमने प्रेगनेंसी के कोर्स किए हैं यहाँ रखे हैं इंस्टीट्यूट में, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल कैंप्स, जब प्रेग्नेंट हो तब कैसे अपना ध्यान दिया जाए और डिलीवरी के बाद कैसे ध्यान दिया जाए, कैसे अपने शरीर को बिल्कुल वापस स्वस्थ कर दिया जाए, ये पहले जैसा शादी के पहले का शरीर फिर आ जाना चाहिए, ये सब योग बताता है और ये सीखना बहुत वुमन के लिए। योग मैं तो कहती हूँ योग में ना मैन और वुमन का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, योग में हम बात करते मन की स्थिति क्या है उस हिसाब से योग होना चाहिए, लेकिन औरतों के आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में, क्योंकि औरतें काम भी करती है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है, उनके स्कूल भी उन्हें जाना पड़ता है, बहुत कुछ कर लेती है, तो उनको किस तरह जीवन जीना चाहिए हम सिखा देते हैं तो ठीक रहता है उनका जीवन। थैंक यू सो मच।